जैसा कि आप जानते हैं राइबोसोम एक ऑर्गेनैली है और ये राइबोसोम जो है इसमें दो सब असेंबलीज हैं देर आर टू सब असेंबलीज ऑफ आर एन एंड प्रोटीन एंड दीज टू सब असेंबलीज आर नोन एज लार्ज एंड स्मॉल सब यूनिट्स द लार्ज सब यूनिट कंटेन्स दैप्टेड ट्रांसफरेज सेंटर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड स्मॉल सब यूनिट कंटेन द डी कोडिंग सेंटर इन विच चार्ज टी आर एन ए रीड और डी कोड दूनिट्स ऑफ द एम आर एन ए तो एम आर एन ए पे जो कोडॉन्स हैं उनको रीड करना या डी कोड करना जो है वो इस डी कोडिंग सेंटर का काम है जो कि स्मॉल सब यूनिट में पाया जाता है बोथ द डी कोडिंग सेंटर एंड दैप्टेडाइल ट्रांसफर रेस सेंटर आर बरिड विद इन दी इंटेक्ट राइबोसोम तो जब इंटेक्ट राइबोसोम होगा यानी कि उसका लार्ज सब यूनिट और स्मॉल सब यूनिट तो यह दोनों सेंटर जो हैं पैप्टेडाइल सेंटर और डी कोडिंग सेंटर ये इनके अंदर बरिड है यह एक्सपोज नहीं है जबकि राइबोसोम इंटेक्ट है येट एम आर एन ए मस्ट बी थ्रेडेड थ्रू द डी कोडिंग सेंटर ड्यूरिंग ट्रांसलेशन एंड दी नेसेंट पोलीपेप्ट चेन मस्ट स्केप फ्रोम दैप्टेडेल ट्रांसफरेज सेंटर तो हालांकि ये जो है इंटेक्ट है लेकिन ट्रांसलेशन होने के लिए यह जरूरी है कि एम आर एन ए जो है वो डी कोडिंग सेंटर में से जरूर गुजरे और जो नया पोलीपेप्टन रही है जो प्रोटीन बन रही है वो पैप्टेडेल ट्रांसफ्रेज सेंटर में से जरूर गुजरे तो ये कैसे हो सकता है How do these polymers enter and exit the ribosome? The answer is provided by the structure of the ribosome, which reveals that there are tunnels in and out of the ribosomes. Tunnels are ribosome ke andar ja ribosome se bahirari. To perform the peptidyl transferase reaction, the ribosome must be able to bind to at least टू टी आर एन ए साइमल्टेनियसली एक ही वक्त में दो टी आर एन ए जो है वो राइबोसोम के साथ आके बाइंड करने चाहिए फिर ही ये राइबो ये जो माइनोसर्स हैं ये आपस में लिंक हो सकते हैं इनफैक्ट द राइबोसोम कंटेन थ्री टी आर एन ए बाइंडिंग साइट एंड दीज साइट आर ए साइट पी साइट एंड ई साइट ए साइट इज द बाइंडिंग साइट फॉर for अमाइनोसाइल टी आर एन ए इसको ए साइट कहते हैं अमाइनोसाइल टी आर एन ए की वजह से The पी साइट इज द बाइंडिंग साइट फॉर the टी आर एन ए इसको पी साइट कहते हैं क्योंकि ये peptidyl टी आर एन ए के लिए है. और ई e साइट जो है इट इज बाइंडिंग साइट फॉर द टी आर एन ए दैट इज रिलीज आफ्टर chain has been चेन हैज बिन ट्रांसफर्ड टू दी अमाइनोसाइल टी आर एन ए तो जब ये पैप्टेडाइल ट्रांसफर टी आर एन ए जो है इसमें से ग्रोइंग पोलीपेप्टार के वो अमाइनोसाइल टीआरएनए को दे दी जाएगी तो ये टी आर एन ए जो है ये फ्री हो जाएगा और इसने भी राइबोसोम को एग्जिट करना है और ये एग्जिट करेगा थ्रू ई e साइट और ई साइट एग्जिट की वजह से इसको ई e साइट कहते हैं तो इसमें आप देख सकते हैं जी ये जो है स्ट्रक्चर है एक राइबोसोम का ये इसका जो है स्मॉलर सब यूनिट है और ये इसका जो है वो लार्जर सब यूनिट है इसमें ये टनल्स हैं जैसे एक ये है और एक ये है ठीक है इसमें जो है ये ए साइट है ये पी साइट है और ये ई e साइट है तो ये जो है ये एक स्ट्रक्चर है एक राइबोसोम का इच टीआर बाइंडिंग साइट इज फॉर्मड एट द इंटरफेस बिटवीन लार्ज एंड द स्मॉल सब यूनिट ऑफ द राइबोसोम तो ये जो टीआरएनए बाइंडिंग साइट है ये भी राइबोसोम का जो लार्ज सब यूनिट है और स्मॉल सब यूनिट है जहां पे इनका इंटरफेस है जहां से ये बाइंड करते हैं यहां पे ये बाइंडिंग साइट है जो कि टीआरएनए की बाइंडिंग साइट है इन दिस वे दाउंड टी आर एन ए कैन स्पेन द डिस्टेंस बिट्वीन दैप्टेड ट्रांसफरेज सेंटर इन दी लार्ज सब यूनिट एंड द डी कोडिंग सेंटर इन सब यूनिट तो एक ही वक्त में जो बाइंड टीएनए है वो इन दोनों को एक्सेस कर सकता है दोनों सेंटर्स को थ्री प्राइम एंड्स ऑफ दी आर एन एज आर कपल्ड टू दिनो एसिड और टू दी ग्रोइंग पोलीपेप्टाइड चेन आर एडजेसेंट टू दार्जर सब यूनिट वाइल द एंटीकोडॉन लूप ऑफ दी बाउंड टी आर एन एज आर लोकेटिड एडज टू दी स्मॉल सब यूनिट तो एक ही वक्त में एक टी आर एन ए मॉलिक्यूल जो है वो पैप्टेडाइल ट्रांसफरे सेंटर में भी है और डी कोडिंग सेंटर को भी एक्सेस कर रहा है